हमें एक मिला है, दिखाते हैं हम आपको, वो भी क्या। तो मैं हूं अलका और आज हम जा रहे हैं अपने घर के पीछे, जो कि कौन सा साग था मैं भूल गई, वहीं जाके दिखाती हूं क्योंकि मम्मी और मम्मी लोग आगे चले गए हैं, तो चलते हैं। लगन तुमसे लगा नेचुरल साग तोड़ने के लिए, बिना दवाई के बिल्कुल शुद्ध साग। बकरियां देखो बेचारी, इतनी छोटी छोटी कैसे पार कर रही है। हमने नदी पार कर ली है और आप देख सकते हैं, और बस 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे और दिखाएंगे आपको साग। मैंने भी नहीं देखा है कौन सा साग है, पहली बार जा रही हूं मैं और देखूंगी। तेज़ी से चलते हैं और एक बार आपको बता देते हैं कौन सा साग कह रही है माता जी हमारी। तो मम्मी जी कौन सा साग था, मैं तो भूल गई। अब हम जंगल में जाके दिखाएंगे। नाम जिबिया, जिबिया साग। मैंने भी पहली बार नाम सुना है और देखा भी नहीं है, मैं भी पहली बार देखूंगी। हमारे यहाँ बाजारों में बिकता भी है जो साग। अच्छा, बाजारों में भी बिकता है? हाँ, मुझे नहीं पता था। चलो आप भी देख लेना कैसा होता है जिबिया साग, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, दुपट्टा भी नहीं लेके आई हूँ मैं तो, कहो दुपट्टा लेके आए। चलो कोई बात ना, वहाँ पर तो छाया होगी। छाया है, मच्छर काटेंगे। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं, मच्छर काटें तो कंडा ला रखा है, धुआं कर लियो। अरे तब तो ठीक है। कितना सुंदर व्यू दिखा है आपको। सहने हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। तो दोस्तों हमारी माता जी बता रही हैं कि ये बाजारों में बिकते हैं 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, कितने भी ऐसे, और हम बनाकर खाएंगे पितौला उसका। तो हम पहुंच गए लिप्टिस के जंगल में। अब पता नहीं कहां पर है जिबिया का साग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें मिला है जिबिया का पेड़, हमें एक मिला है। ये ऐसे होते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें मिला है एक, और हम बहुत जगह खोजेंगे यहां पर और दिखाते हैं आपको, बहुत सारे मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हम पुटला को ढूंढते थे वैसे ही इस साग को ढूंढेंगे, बिल्कुल बहुत बारीकी तरीके से। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, दिखाते हैं और मिलते हैं तो इकट्ठा करके, और देखते हैं कितना मजा आएगा खाने में। मैं पहली बार खाऊंगी इसे, एक्साइटेड हूँ। तो हमारी माता जी को मिल रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल साग, फ्रेश फ्रेश वेजिटेरियन। आपने तो बहुत ज्यादा इकट्ठा कर दिया। बता दें आपको, और ये मिलते हैं बरसात के टाइम पे, बरसात जैसे खत्म होने को होती है तब ये निकलते हैं। तो हमें इतना मिल चुका है, और मम्मी जी कहती हैं इसे खाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो देखते हैं अब हम बनाएंगे और देखेंगे कितना टेस्टी लगता है, और आप भी खा के ज़रूर देखना। तो दोस्तों मच्छर बहुत लगते हैं, इसीलिए हम पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर आए हैं, धुएं के साथ, साग रखने की पॉलीथीन।
तो मामा जी जाल डालने जा रहे हैं और मछली देखते हैं कितनी आती है। ये पड़ी जाल और बस अब उठाने की देर है और अब जाल निकालने के लिए जा रहे हैं मामा जी। ये जा रहे हैं, अगर मछली नहीं दी तो देखिए मार देंगे डंडा। और दोस्तों हमें आप देख सकते हैं इतना साग मिल गया है और इसमें एक बोतल है और हम दिखाते हैं घर पहुँच कर, घर जा रहे हैं तो कितना हम साग लेके आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतना सा साग लेके आए हैं और मैं सच सच बता दूं मैं इतना सा लेके आई हूँगी साग और ये सारी माता जी लेके आई हैं। और आपको जूम करके दिखाते हैं साग को, आप देख सकते हैं इनको पहचान सकते हैं। ज़रूर बताना कि ये किसका साग है, हम बता दें हम तो इसे जिबिया कहते हैं। हमारी माता जी साग बनाने के लिए कैसे कर रही हैं अब आप बताएंगी। इसकी जीभ तोड़ देते हैं, पीछे जड़ है जड़ तोड़ देते हैं। हाँ। और आप सूखा साग बनाना चाहे तो सूखा साग बना सकते हैं, पितौला बनाना चाहे तो पितौला बना सकते हैं इसका। और बिल्कुल बारीक तरीके से देखना, ये देखिए ये इसकी जीभ, ये चाहे इसकी पकौड़ी भी खा सकते हैं, कोई बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये इसकी जीभ लटक रही है, ये लटकती हुई जीभ को निकाल दो और इसकी जो जड़ है ये भी तोड़ दो नीचे से हल्का सा और इसके बाद डाल दो। फिर अब हम बना ले साग और कुछ बचेगा तो पितौले भी बना लेंगे और बचेगा तो और हम पकौड़ी भी बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।